हेलो एवरीवन, वेलकम बैक एंड थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। पिछली वीडियोस पे आपने लाइक्स दिए, व्यूज़ दिए, कमेंट्स दिए और चैनल सब्सक्राइब करा, थैंक यू सो मच फॉर दैट। सो मैं आज के टॉपिक के बारे में बात करता हूँ। आज हम 11th की अकाउंट स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है हम लोग बिल्कुल बिगिनिंग से स्टार्ट करेंगे। द फर्स्ट टॉपिक इज बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। तो हम लोग आज जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। हमारे अकाउंट्स में क्या क्या बेसिक टर्म्स आती हैं जिनके बारे में हमें पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज मेरा यही टॉपिक रहेगा, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। सो लेट स्टार्ट। सो गाइस, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली टर्म जिसके बारे में मैं बात करूँगा वो है अकाउंट। कि अकाउंट क्या होता है? देखो, अकाउंट क्या है? अकाउंट में हम लोगों ने बिजनेस की सारी ट्रांजेक्शन्स को एक समराइज्ड वे में रिकॉर्ड करना है। तो उस रिकॉर्डिंग को हम कहाँ पर करेंगे? एक अकाउंट में करेंगे। देखो, रिकॉर्ड ऑफ ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन्स। अब हर एक अकाउंट की दो साइड्स होंगी। लेफ्ट हैंड साइड इज नोन एज डेबिट साइड एंड द राइट हैंड साइड इज नोन एज द क्रेडिट साइड। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। नंबर टू, सेकेंड इज कैपिटल। कैपिटल कहो या फिर ऑनर्स इक्विटी कहो, एक ही बात है। कैपिटल क्या है? कि जितना भी पैसा किसी बिजनेसमैन ने अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल। दैट इज अमाउंट इन्वेस्टेड इन बिजनेस। जितना भी पैसा, जितना भी मनी एक ऑनर ने बिजनेस में इन्वेस्ट करा है उसको हम लोग क्या कहेंगे? कैपिटल। नेक्स्ट वन इज ड्रॉइंग्स। अब ड्रॉइंग्स क्या है? यहाँ पे कोई आर्ट वाली ड्रॉइंग्स की बात नहीं हो रही है। ड्रॉइंग्स इन अकाउंट्स मीन्स कि जितना भी कैश या फिर गुड्स एक ऑनर ने अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस में से विड्रॉ करा है, मतलब बिजनेस में से निकाला है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? ड्रॉइंग्स। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन, नंबर फोर, लाइबिलिटी। लाइबिलिटी, अब अगर मैं किसी एक नॉर्मल पर्सन की लैंग्वेज में कहूँ तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कि हम लोगों ने कहीं से बाहर से कितना पैसा लिया हुआ है जिसको हम लोग डेट्स बोलते हैं, उस उधार का पेमेंट करना हमारे लिए लाइबिलिटी होती है। अब लाइबिलिटी कितने तरह की हो सकती है? लाइबिलिटी मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ, दो तरह की हो सकती है, करंट लाइबिलिटी और नॉन करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी का पेमेंट हम लोगों ने एक शॉर्ट पीरियड में करना होता है, दैट इज विद इन अ पीरियड ऑफ वन ईयर। और नॉन करंट लाइबिलिटी का पेमेंट हमने करना होता है लॉन्ग पीरियड में, दैट इज मोर देन वन ईयर। नेक्स्ट वन इज एसेट्स। अब एसेट्स क्या होते हैं? एसेट्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है बिजनेस अकाउंट्स में। एसेट्स को हम लोग कहते हैं कि जितने भी रिसोर्सेज, वैल्यूएबल रिसोर्सेज जो बिजनेस के पास हैं, उन सारे रिसोर्सेज को हम लोग क्या कहेंगे? एसेट्स। द वैल्यूएबल रिसोर्सेज ओन्ड बाय द बिजनेस आर नोन एज एसेट्स। अब एसेट्स कितने तरह के हो सकते हैं? मैंने चार कैटेगरीज करी हैं मेनली, टेंजिबल, इनटेंजिबल, करंट और फिक्टिशियस। सबसे पहले बात करते हैं टेंजिबल की। टेंजिबल होंगे दोज एसेट्स विच कैन बी सीन एंड टच्ड, जैसे हमारी मशीनरी, बिल्डिंग, ये सारे क्या होंगे? टेंजिबल एसेट्स। अब सेकंड, इनटेंजिबल एसेट्स। दीज आर द एसेट्स विच कैन नॉट बी सीन एंड टच्ड, जिनको हम ना देख सकते हैं ना ही टच कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, ये सारे किसके एग्जाम्पल्स होंगे? इनटेंजिबल एसेट्स की। नेक्स्ट वन, करंट एसेट्स। थर्ड, जिन एसेट्स को हम लोग एक्वायर करते हैं टू कन्वर्ट इट इनटू कैश, जिनको हमने कन्वर्ट करना है या फिर सेल करनी है, ये सारे होंगे मेरे करंट एसेट्स। अब नंबर फोर्थ हमारे होते हैं फिक्टिशियस एसेट्स। फिक्टिशियस एसेट्स क्या हैं? ये एक्चुअल में एसेट्स होते ही नहीं हैं और ना ही ये कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं, इसीलिए इसको अगर मैं कहूँ अपनी लैंग्वेज में, कहूँगा फेक एसेट्स, की जो एक्चुअल में एसेट्स हैं ही नहीं। नेक्स्ट आता है हमारे पास कैपिटल रिसिप्ट। अब कैपिटल रिसिप्ट क्या होंगे? ये वो रिसिप्ट होंगे जो कि नॉन रिकरिंग होंगे, कभी कभी होंगे। फॉर एग्जाम्पल, सेल ऑफ फिक्स एसेट, कि आपने किसी फिक्स एसेट को बेचा है, उससे आपके पास जो पैसा आएगा वो आपकी कैपिटल रिसिप्ट होगी। और ये कहाँ शो होगा? बैलेंस शीट में शो होगा। नेक्स्ट वन इज रेवेन्यू रिसिप्ट। अब रेवेन्यू रिसिप्ट क्या है? ये रिकरिंग नेचर की रिसिप्ट होगी, जैसे कि हमारी सेल, जनरल जो हमारी डेली बेसिस पे हमारे पास रिसिप्ट होंगी उसको हम लोग कहेंगे रेवेन्यू रिसिप्ट। और रेवेन्यू रिसिप्ट शो होगा क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग और पीएल अकाउंट। नाउ नेक्स्ट, एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर हमारे खर्चे, कि बेसिकली ट्रांसफर ऑफ कैश और प्रॉपर्टी फॉर पर्पस ऑफ एक्वायरिंग एसेट्स,
कोई भी एसेट्स परचेज करने के लिए हमारे पास जितना भी खर्चा होता है वो सारा क्या होगा हमारा एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट वन इज रेवेन्यू। रेवेन्यू क्या है? जितना भी अमाउंट हमें सेल करने से रिसीव होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई कार 5 लाख की सेल करी तो 5 लाख मेरा रेवेन्यू हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज इनकम। इनकम क्या होगा? इनकम होगा सरप्लस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंसेस। फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई कार 4 लाख की परचेज करी थी और मैंने वो कार 5 लाख की बेची तो मेरा रेवेन्यू तो हो गया 5 लाख रुपीज, बट मेरी इनकम कितनी है 1 लाख रुपीज कि मेरी और मैंने एक्सपेंस से ऊपर कितना कमाया 4 लाख से ऊपर कितना कमाया 1 लाख। टोटल 5 लाख की सेल करी तो मेरा 1 लाख की क्या होगी इनकम। सो गाइस पिछली क्लास में मैंने आपको कुछ अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में बताया था, आज हम उससे आगे चलते हैं। सबसे पहली टर्म जिसके बारे में हम आज बात करेंगे वो है प्रॉफिट। प्रॉफिट को मैंने लिखा टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंसेस, कि जितना भी आपने कमाया उसमें से आप अपने एक्सपेंसेस यानी खर्चे माइनस कर दीजिए आपका प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वन इज लॉस। लॉस क्या होता है आप सब लोगों को पता ही होता है, बेसिकली जब आपके खर्चे ज़्यादा हैं आपकी कमाई से वो आपका क्या है लॉस है। When total expenses exceed the total revenue, this is known as loss. Going forward, next one is purchase. Purchases हम लोग सिर्फ और सिर्फ goods की बारे में बात करेंगे। जब हम लोग जिन goods में हम लोग dealing करते हैं उनको purchase करेंगे तो हम क्या कहेंगे purchases. Next one is purchase return. That is goods return to suppliers. जब किसी भी defect की वजह से या किसी भी कारण आपने supplier goods वापस करे उसको हम क्या कहेंगे purchase returns. Next one is sales, कि जब आपने गुड्स को बेचा या फिर अगर मैं लैंग्वेज दूसरी में कहूँ तो ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज टर्म्ड एज सेल्स। नेक्स्ट वन इज सेल्स रिटर्न। फिर अगर किसी भी कारण से आपके कस्टमर्स ने गुड्स वापस कर दिए उसको हम लोग क्या कहेंगे सेल रिटर्न। नेक्स्ट वन इज स्टॉक। आपके पास जितना भी गुड्स रखा हुआ है उसको हम लोग स्टॉक कहते हैं। अब हमने इसको दो कैटेगरीज में डिवाइड करा है, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। जो आपका अकाउंटिंग ईयर के बिगिनिंग में आपके पास स्टॉक है उसको हम लोग कहते हैं ओपनिंग स्टॉक, और जो अकाउंटिंग ईयर के एंड में आपका स्टॉक है उसको हम कहेंगे क्लोजिंग स्टॉक। नेक्स्ट वन इज डेटर्स। डेटर्स वो लोग हैं जिनसे आपने पेमेंट लेनी है, द पर्सन फ्रॉम होम पेमेंट हैज नॉट बीन रिसीव्ड, या फिर आपके कस्टमर्स, ये सारे क्या होंगे डेटर्स। नेक्स्ट वन इज क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कौन है? जिनका अभी हमने पेमेंट करना है, यानी कि हमारे सप्लायर्स, द पर्सन्स टू हूम पेमेंट हैज नॉट बीन मेड। ध्यान रखिएगा डेटर्स में फ्रॉम यानी कि जिनसे हमने लेनी है, और क्रेडिटर्स में टू यानी कि जिनको हमने पेमेंट करनी है। मूविंग फॉरवर्ड और लास्ट टर्म है हमारी बैड डेट्स। बैड डेट्स क्या है हमारे? वो अमाउंट जो कि अब इररिकवरेबल है, विच मीन्स द अमाउंट विच बिकम्स इररिकवरेबल फ्रॉम डेटर्स। डेटर्स के लिए या फिर कस्टमर्स, ये आपके कस्टमर से जितना भी पैसा आपने लेना था वो अब इररिकवरेबल है कि वो नहीं दे पा रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे बैड डेट्स। तो ये थी दोस्तों कुछ बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। इसके अलावा अगर आपको किसी भी टर्म के बारे में जानना है तो आप मुझे कमेंट्स में दीजिए या फिर आप मुझे मेल कर सकते हैं, मैं ट्राई करूंगा आपको जल्दी से जल्दी आपका आंसर करूँ। थैंक यू सो मच गाइस, ये फर्स्ट चैप्टर के बारे में बात कर दी अपने। नेक्स्ट वीडियो आपको बहुत जल्दी अपलोड करेंगे ऑन जनरल एंट्रीज। थैंक यू सो मच, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक जरूर कीजिए और सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।